हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस आयरन का नोब जो है उसे हम खोल लेंगे। देखिए, इस प्रकार से स्क्रू ड्राइवर के मदद से इसे धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से, और ये देखिए नोब खुल गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए एक स्क्रू है, उसे खोलना है। इस स्क्रू को खोल लेते हैं। इसके बाद देखिए इस बॉडी को बाहर निकालना है, यानी कि इसे खोलना है बॉडी को। तो इसके लिए ये दो स्क्रू है, इसे हम खोल लेते हैं। अब इस क्लैंप को खोलेंगे जिसमें वायर टाइट है। देखिए, मैंने इस क्लैंप को खोल दिया। अब देखिए मैं इसके हैंडल को पकड़ के ऊपर खींच रहा हूं, लेकिन ये नहीं खुल रहा है। देखिए खींच रहा हूं लेकिन नहीं खुल रहा है। देखिए कोशिश कर रहा हूं, हैंडल पकड़ के खींच रहा हूं लेकिन नहीं खुल रहा है। यहां और यहां दो स्क्रू था, उसे मैंने खोल दिया, फिर भी ये नहीं खुल रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसमें स्क्रू है जो आपको दिख नहीं रहा है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ कहाँ पर है इसका स्क्रू। इस जगह पे जो आपको ऑरेंज रंग का पट्टी दिख रहा है, सबसे पहले इसे खोलना होगा। इसे खोलने के लिए देखिए इस जगह पर एक लॉक लगा रहता है, जिसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से इसके लॉक को उठा देते हैं, खोल देते हैं। देखिए ये खुल गया। देखिए यहाँ पे लॉक लगा रहा था जो खुल गया, और देखिए इस जगह पे स्क्रू टाइट है। यही स्क्रू है जिसे बहुत से लोग नहीं खोज पाते हैं, क्योंकि ये छुपा हुआ रहता है, जिसके कारण वो आयरन को नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये स्क्रू मिलता नहीं है कहाँ पे है, किस प्रकार खोला जाता है। तो देखिए मैंने इसे खोल दिया है। अब इसे मैं खोलूंगा। देखिए यहाँ पर तीन वायर है, एक यहाँ पे फेस है, ये न्यूट्रल है, देखिए यहाँ पे, और ये अर्थ है। अब ये तीनों स्क्रू को खोल लेते हैं। ये तीनों वायर में जो स्क्रू टाइट है, ये तीनों स्क्रू को खोल लेते हैं। ये देखिए ये इंडिकेटर का बल्ब है। देखिए मैंने तीनों वायर को खोल दिया है। अब यहां पर दो स्क्रू है, इसे खोलना है।
अब देखिए मैं इसे खोल रहा हूं लेकिन ये खुल नहीं रहा है। देखिए देखिए इसके पीछे साइड में यहाँ पे दो स्क्रू है और यहां से ये दोनों स्क्रू जब खोल देंगे तो ये प्लेट बाहर निकल जाएगा। देखिए ये प्लेट बाहर निकल गया और ये आराम से खुल जाएगा। तो इस प्रकार मैंने पूरा बॉडी खोल के आपको दिखा दिया।